एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। दाम बढ़ गए, हर चीज के दाम बढ़ गए। हमारा मानना था 9,500
ये पहले कमिटी वाले बैठा करते थे और कैलकुलेट किया करते थे, एक आदमी को जिंदा रहने के लिए क्या करते थे, 2100 कैलोरी की जरूरत है, 2700 कैलोरी की जरूरत है। अरे जानवर आदमी 2700 कैलोरी के हिसाब से उसको रखा गया है, आदमी है, अपने बच्चों को पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, कपड़े खरीदेगा नहीं खरीदेगा, और अगर महीने में पिक्चर देखा है तो मैंने गुनाह कर दिया कैसे, इतने पैसे मुझे दिए, अगर कोई अच्छी पिक्चर देखेगा तो मेरे बच्चों को पिक्चर दिखाने ले जाएगा नहीं ले जाएगा, आज एक पिक्चर दिखाने ले जाओ 2000 रुपए से कम नहीं लगेगा, तो कहते 2700 कैलोरी के हिसाब से उसको देंगे, हमें पता नहीं चलेगा तुम्हारा 2700 कैलोरी जानवर हो रहे हमारे पास, 2700 कैलोरी के हिसाब से ले रहे तो आइए हमारे मजदूरों को 2700 कैलोरी के हिसाब से लगा लेगा। तो दोस्तों उन्होंने कमेटी बनाई और इसके लिए मैं गोपाल राय जी को बधाई देना चाहता हूं, जिस तरह से इन्होंने डट के और पीछे पढ़ पढ़ के इन्होंने कमेटी बनाई। आप लोगों को पता है रोज अखबारों में पढ़ते हो जिस तरह से हर कदम के ऊपर ये लोग अड़चन लगा रहे हैं। फिर कमेटी ने 5 महीने, मैं कमेटी भी बता दूं, एक कमेटी बनी थी जी न्यूनतम मजदूरी के लिए, उसमें अफसर होते हैं, उसमें मजदूरों के नुमाइंदे होते हैं और उसमें उद्योगपतियों के और व्यापारियों के नुमाइंदे होते हैं, ट्राइपार्टाइट कमेटी बनी थी। अब वो आपके ऊपर है, कमेटी हम ऐसी भी बना सकते थे, ऐसे ऐसे आदमी डाल देते जो कहते जी 2700 कैलोरी के लिए तो इतना ही पैसा चाहिए, 9500 की जरूरत नहीं, 8000 का हो, ऐसी भी कमेटी बना सकते। हमने ऐसे लोग रखे कमेटी के अंदर जो मजदूरों के हित की बात करते हैं, मजदूरों के भले की बात करते हैं, जिनके दिल के अंदर मजदूरों का दर्द है, ऐसे लोगों को कमेटी में रखा। अप्रैल में कमेटी बनी थी, अगस्त में उसने रिपोर्ट दी, एलजी साहब को हमने रिपोर्ट भेजी, एलजी साहब ने पता है फाइल पे क्या लिखा, एलजी साहब ने लिख दिया ये जो कमेटी बनाई थी, कमेटी बनाने के पहले हम आपने मेरी अप्रूवल नहीं ली, हमने कहा जी अब ले रहे हैं अप्रूवल, अब दे दो, अब फाइल भेजी जो है आपके पास, मैं खुद गया एलजी साहब के पास, आप जोड़ के मैं खड़ा हो गया एलजी साहब के पास, मैंने कहा जी गरीबों का मामला है, दुआ देंगे आपको, पुण्य लगेगा आपको, एलजी साहब ने माना, उन्होंने फाइल पे लिख दिया कमेटी के बनाने के पहले आपने अप्रूवल नहीं ली, दोबारा बनाओ कमेटी। इतनी हिटलर शाही भाई साहब मैंने जिंदगी में नहीं देखी, आज लोगों मैंने भी बड़े करे और बहुत बड़े बड़े अन्याय के खिलाफ लड़े, लेकिन इस तरह की हिटलर शाही मैंने नहीं देखी। एलजी साहब ने फाइल पे कमेटी बर्खास्त कर दी, सारी उसकी सिफारिशें बर्खास्त कर दी, बोले दोबारा बनाओ, यही कमेटी बना लो दोबारा बनाओ, हमने दोबारा कमेटी बनाई, वही आदमी रखे, सेम टू सेम, एक भी नहीं बदला, वही आदमी रखे, उस कमेटी ने फिर 4 महीने वही काम किया, वही मीटिंग करी, सेम टू सेम, और फिर उसके बाद वही सिफारिशें दी, सेम टू सेम, 6 महीने बीत गए, 6 महीने के बाद दोबारा सिफारिशें दी एलजी साहब के पास, अब एलजी साहब ने साइन कर दिया। ये क्या दिखाता है, गर्व है, सत्ता का गर्व है, भ्रम है, पहले चले गए 27 अगस्त के महीने में, 6 महीने बच जाते कि नहीं बच जाते, सत्ता के नशे के अंदर जिस तरह से उन्होंने किया, बहुत गुस्सा आया मेरे को, बहुत ज्यादा, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, हम जिस तरह से अंदर लड़ रहे हैं गरीबों के लिए, हम जिस तरह से अंदर लड़ रहे हैं आपके बिजली के रेट कम कराने के लिए, इतना लड़ना पड़ता है, इतना लड़ना पड़ता है, इनका बस चले तो इन बिजली कंपनियों को दुगनी कर देंगे बिजली के रेट के लिए, इनका बस चले पानी कंपनियों के रेट डबल कर देंगे बिजली के अंदर, लड़ना पड़ता है, खून का भीम भी कह जाता है, लेकिन अल्टीमेटली आपके रेट बढ़े, मिनिमम रेट बढ़े 13,500 रुपए, मुझे बेहद खुशी है, आज कई सारे मजदूर हैं जिनको 13,500 रुपए के हिसाब से रेट मिल रहा है, लेकिन कई सारे मजदूर हैं जिनको नहीं मिल रहा, गलत तो नहीं कर रहे,
कई सारे लोग मिलते हैं, वो बताते हैं जी रेट तो बढ़ा दिया आपने, ठेकेदार आपने बिल लगाता है 13,500 रुपए के हिसाब से लगाता है, हाथ में कोई 4,000 रुपए और झूठे बिल पे साइन करा लेता, कराता कि नहीं कराता। और कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं गोरख धंधा करा रखा है डिपार्टमेंट वालों ने, कई सारे डिपार्टमेंट में हर एक साल के अंदर मजदूर निकालकर नए मजदूरों की भर्ती होती है। क्यों होती है? अब नए वालों से पैसे लेते 3,000-3,500 रुपए भर्ती करने के लिए लेते हैं नए मजदूरों। हमने कैबिनेट में फैसला करा, हमने कहा कोई नए मजदूरों की भर्ती नहीं होगी, चल रहा है अगर अच्छा काम कर रहा है तो करते हो पैसे कमाने, इसको भी बंद करेंगे। लेकिन आज मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, पूरे दिल्ली के अंदर आज बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं जो मजदूरों को पूरी न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे। आज इस मंच के माध्यम से मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, या तो सुधर जाओ नहीं तो सुधारना आता है। अभी हाईकोर्ट का स्टे लगा हुआ है, हाईकोर्ट ने कहा है न्यूनतम मजदूरी जो हमने 13,500 रुपए करी उस पे तो हाईकोर्ट ने स्टे नहीं लगाया, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि आप किसी भी कंपनी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। अगर कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहा तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। मैं उम्मीद करता हूं हाईकोर्ट का जजमेंट जल्दी आएगा। मुझे बताया गया, मैं इस मामले की पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूं, वकीलों ने मेरे को बताया कि हेयरिंग पूरी हो गई है, जल्दी फैसला आने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है हाईकोर्ट मजदूरों के हक में फैसला देगा, और जिस दिन फैसला आ गया भाई साहब मैं उतरूंगा सड़क के ऊपर, जो ठेकेदार पूरी मजदूरी नहीं देगा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, हमारे संघों की कोशिश है जितने मजदूर भाई गरीबी में जी रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं, उनके पास चारा नहीं है। हम नहीं चाहते पड़े हो कि आपके बच्चे मजदूरी करें, हम चाहते हैं आपके बच्चे पड़े हो के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, इसलिए हम शिक्षा के ऊपर इतना जोर दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों का कायापलट हो रहा है, आज सारे देश के अंदर चर्चा है कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ रही है। आज यहां जितने मजदूर हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, और आप लोगों के माध्यम से बाकी दिल्ली के मजदूरों को कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, चाहे एक टाइम की रोटी पानी खानी पड़े लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो। अगर आपके बच्चे पढ़ लिख गए, पहले आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे, प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ता था, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गड़बड़ था। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरी शिक्षा माफ हो गई है, 12वीं की क्लास तक की सारी शिक्षा माफ कर दी। 12वीं के बाद आपके बच्चे जब कॉलेज जाएंगे तो उनके लिए लोन की व्यवस्था कर दी, 10,00,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में भेजो अपने बच्चों को, अच्छे से अच्छे कॉलेज में भेजो। हमने व्यवस्था करी है 10,00,000 रुपए तक का लोन ले लेना सरकार से, कोई गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कोई जमीन गहने कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार आपकी गारंटी देगी। और जब आपका बच्चा पढ़ लिख के निकल जाएगा और जब उसकी नौकरी लग जाएगी तब वो लोन वापस कर सकता है, तब तक लोन वापस करने की जरूरत नहीं है। तो अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर, ये बात गांठ मान लो, अपने बच्चों को अनपढ़ मत रखना। कई बार गरीबी की वजह से कई लोग सोचते हैं बच्चों को चलो कम उम्र में नौकरी पर लगा दो, छोटा मोटा कमा के ले आएगा। ये मैं जब एनजीओ में काम किया करता था, झुग्गी बस्तियों में काम किया करता था, कई लोग मिलते थे मेरे को, वो कहते थे कि सरकारी स्कूल में भेज के क्या फायदा है, बच्चा खराब हो गया, पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है, इससे अच्छा उसको नौकरी पे लगा लो, दो पैसे कमा के लाएगा। अब ऐसा नहीं है भाई, अब पढ़ाई लिखाई होती है सरकारी स्कूल के अंदर, अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है। पिछले साल हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से 10% ज्यादा आए थे, सरकारी स्कूलों के नतीजे आए थे 88%, प्राइवेट स्कूलों के नतीजे आए थे
78% सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो अपने बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, जरूर करना। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, ये ठेकेदारी का काम खत्म करना, ये बहुत गलत है, इंसानियत के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, इसको खत्म करना है। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता दोस्तों, ये कहते थे दिल्ली में बिजली सस्ती नहीं हो सकती। जब हम चुनाव लड़ते थे ना, मैं घर घर जाया करता था, आपको तस्वीर भी याद होगी, अखबार में छोटी थी, मैं पोल पे चढ़ गया, याद है आपको, मंगोलपुरी जी के द्वारा लगा हम मंगोलपुरी में, ये कहते हैं बिजली के रेट सस्ते नहीं हो सकते दिल्ली में, हमने करके दिखाया, ये कहते थे सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते, हमने करके दिखाया, ये कहते थे सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते, हमने करके दिखाया, ये कहते थे दवाइयां टेस्ट ऑपरेशन इलाज मुफ्त नहीं हो सकता, हमने करके दिखाया, ये कहते थे न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ सकती, हमने करके दिखाया, अब ये कहते हैं कच्चे माल को पक्का नहीं कर सकते, हम करके दिखाएंगे। दोस्तों आज दिल्ली की व्यवस्था ऐसी व्यवस्था बन गई है, जनता चुनती तो एक मुख्यमंत्री को है और चलती है दिल्ली है। आज अगर पूर्ण राज्य होता दिल्ली, भाई साहब 10 दिन के अंदर जितने कच्चे लोग सबको पक्का करके दिखाएंगे। Thank you.